हरियाणा राज्य के पलवल जिले की बेटी जो कि बेहद साहसी व निडर महिला है, जिन्होंने अपने बलबूते पर महिला शक्ति को बढ़ावा दिया है। आज के दौर में भी खुद ही नहीं बल्कि अन्य लड़कियों को भी इन शक्तियों से अवगत करवा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि बाला की, जिनकी उम्र 39 वर्ष है और वह शक्ति टाइकोंडो एंड डांस अकेडमी चला रही हैं। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही ठान लिया था कि उन्हें समाज में महिलाओं को अबला व लाचार का दर्जा नहीं दिलवाना और महिला शक्ति की एक मिसाल बनना चाहती हैं। बचपन में हुई छेड़छाड़ व अभद्र व्यवहार से परेशान होकर उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर डिफेंस एकेडमी से ट्रेनिंग ली। वह अपने गुरु ओम प्रकाश सैनी की सहायता से अपनी खुद की एक डांस एकेडमी शुरू की, जिसमें वे न केवल लड़कियों को अपितु लड़कों को भी टाइकोंडो, क्लासिकल सिंगिंग, कथक डांस आदि की ट्रेनिंग दे रही हैं। आज हमारे समाज की सबसे दुखद बात यह है कि यहाँ लड़कियों के साथ साथ लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शशि बाला ने दोनों ही जाति के युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी हासिल किए। उनके सफल जीवन के पीछे उनके पति एवं पिता आदि का खास योगदान रहा है। नमस्कार, मैं विनोद अश्रफ और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा की बेटी जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद एक ऐसे मुकाम हासिल किया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त किए और उस ताइक्वांडो एक अकेडमी अपने चलाती हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं, बच्चों को आत्मनिर्भर करती हैं, बच्चों को आत्मरक्षा सिखाती हैं। आइए हम उनसे जानते हैं उनका सफर कैसा रहा, किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंची। अक्सर देखा जाता है कि लड़की या छात्रा कहें हम कि वो ताइक्वांडो या अन्य ऐसे खेलों में कम ही जाती हैं। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपना ये बताएं कि आपने ताइक्वांडो अकेडमी जो खोली, क्या राज है इसके पीछे, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे? सर, करीब 22-23 साल हो गए। मैं मोटिव तो मेरे एकेडमी खोलने का यही है कि गर्ल्स को आत्मनिर्भर बनाए और गर्ल्स के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि लड़कों को भी आत्मनिर्भर बनाए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। जो आजकल गंदे असामाजिक तत्व हैं उनसे वो लड़ सके, इस यही मेरा मेन मोटिव है। मैडम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आमतौर पर लड़कियों को देखा जाता है कि वो ताइक्वांडो या किसी अन्य ऐसे खेल में नहीं जाती है जिसमें ज्यादा डर हो, तो आपका कैसे सफर रहा ताइक्वांडो की तरफ जाने का? ज्यादातर लड़कियां बैडमिंटन, क्रिकेट या अन्य खेलों में जाती हैं। सर, सफर तो ठीक रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। फादर सपोर्टिव थे, उन्होंने शुरू से ही सिखाया था कि स्ट्रांग बन के जीना है। तो कुछ छोटी मोटी घटना ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मुझे सेल्फ डिफेंस अपनाना पड़ा। एक बार करीब 20-22 साल हो गए, तो मैं 9th में पढ़ती थी करीब, तो शाम के टाइम घर जा रही थी, किसी ने आके पीछे से मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया था। तो घर जाके मैंने पापा को ये बात बताई, तो पापा ने उसी दिन से मतलब हमें बोल दिया कुछ ऐसा आपको करना है ताकि समाज को आप जमकर डटकर जवाब दे सके और मुकाबला कर सके। तो बस हमने ये लगभग आप कितने बच्चों को ऐसी शिक्षा दे चुके हैं? मिनिमम सर गिनती तो मैं नहीं बता सकती, करीब 17-18 साल से ज्यादा ही हो गए मुझे, लेकिन फिलहाल मेरे पास 70-80 बच्चे हैं जिनको मैं शिक्षा दे रही हूँ। ताइक्वांडो और डांस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और अभी आपको देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजपुर मेले में जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने अपनी परफॉर्मेंस दी, अच्छे अच्छे गानों पर दी, आपके डांस को सराहा गया, तो फिर कैसे तालमेल बिठाया आपने ताइक्वांडो और खेल में, ताइक्वांडो और डांस में? डांस का शौक शुरू से रहा है, जैसे कि लड़की है, लड़की को शुरू से ही शौक रहता है डांस करने का, तो पापा मम्मी भी कभी रोकते नहीं थे। शुरू से शौक था मुझे क्लासिकल डांस सीखने का, लेकिन लोकल एरिया होने की वजह से वो कर नहीं पाती थी मैं। फिर जो हमने मार्शल आर्ट सीखी, इसमें मेरे फादर ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, वो प्रिंसिपल रिटायर है, तो उस टाइम लेक्चरर थे वो संस्कृत के, तो लाठी पट्टेबाजी जैसे कि बॉयज का पालन पोषण करते, उन्होंने बिल्कुल सेम, हम पांच बहन भाई थे, पांचों बहन भाइयों को एज ए बॉयज उन्होंने हमारा पालन पोषण किया। उन्होंने हमें पट्टेबाजी भी सिखाई, लाठी चलाना भी सिखाया, तलवारबाजी भी सिखाई, योगा भी सिखाया। तो जैसे ये स्टंट और डांस, इसको मैंने कंबाइन करना शुरू कर दिया, तो डांस में स्टंट भी डाले और डांस करती थी, और स्टंट और डांस को ज्वाइन करके हमने एक नया फॉर्म दे दिया। तो
डांस भी करते हैं साथ में ताइक्वांडो भी करते हैं। तो शशि जी आज नृत्य के नाम पर कहीं ना कहीं अश्लीलता परोसी जाती है और आप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंच पर आप अपनी अभी परफॉर्मेंस देकर के आए हैं, इस पर कोई खासी प्रतिक्रिया होगी कि कहीं ना कहीं नृत्य के नाम पर अश्लीलता परोसी जाती है, अन्य कई जगह देखा गया ऐसा? सर देखो सबका अपना अपना सिस्टम है, बॉलीवुड की डिमांड है तो वो शायद इस चीज को प्रीफर करते होंगे, लेकिन हर कलाकार ये चीज पसंद नहीं करता है, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है सर, तो पसंद नहीं करते। आप रक्षा कैसे करें इस पर आप कुछ खास लड़कियों को खास संदेश देना चाहिए मैडम? हाँ सर, मैं लड़कियों को बिल्कुल संदेश देना चाहूंगी और उन पेरेंट्स को भी संदेश देना चाहूंगी जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते हैं। आज के टाइम में आज के शुरू से ही लड़कियों को तो सुरक्षित रहने के लिए आत्मरक्षा की जरूरत पड़ती रही है, लेकिन मैं लड़कियों के साथ साथ ये चाहती हूँ कि लड़कों की भी सुरक्षा, मतलब लड़कों को भी सुरक्षा के लिए ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जितना खतरा समाज में गर्ल्स को है इतना ही खतरा लड़कों को भी है, लड़के भी आज के टाइम में सेफ नहीं है। मेरा संदेश है सबके लिए। आप ताइक्वांडो अकेडमी में डांस अकेडमी जो चलाते हैं, जो आपके बच्चे हैं किस किस जगह पर जाके कहीं सेट हुए आज? हाँ सर, मेरा एक लड़का है गगन जोशी जो पास के गांव जवे के आसपास से है, 2015 में उनका सिलेक्शन साई औरंगाबाद में हुआ है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में, और अभी 2019 में पिंकी गर्ल्स है, उसकी मदर नहीं है, उसको पंजाब सरकार ने अपने अंडर ले लिया है, खाना रहना स्टडी प्लस कोचिंग ओनली स्पोर्ट्स के दम पर वो उनको दे रही है, और एक मोनिका है, कुणाल है, पिंकी है, उनको कई बार हरियाणा सरकार से स्कॉलरशिप भी मैं दिलवा चुकी हूँ, और फिलहाल एक भूमि हरियाणा है जिसका केरला साई में सिलेक्शन हो चुका है। शशि जी, कोई गरीब परिवार से कोई बच्चा हो और अच्छा उसमें टैलेंट हो तो क्या किस तरीके से आपसे जुड़े? सर मैं कहना चाहूंगी कोई भी अगर गरीब परिवार से बच्चा है, वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी ठीक नहीं है, वो चाह के भी गेम नहीं कर पा रहा है, डांस नहीं कर पा रहा है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, मैं उनको सपोर्ट करूंगी, जितना होगा मैं उनको सपोर्ट करूंगी, आगे लेके भी जाऊंगी, खिलाऊंगी भी, बसरते उसके अंदर टैलेंट होना चाहिए और उसमें कुछ करने का हौसला होना चाहिए। मैं शशि बाला, ब्लैक बेल्ट थर्ड डैन, मैं शक्ति ताइक्वांडो एंड डांस एकेडमी में कार्यरत हूं, और जो कि बल्लभगढ़ में मोहना रोड पर नियर सागर राठौर ऑफिस स्थित है, और मेरा फोन नंबर है 9899461222। शशि बाला जी, अंत में एक आपसे सवाल, जो ये दर्शक देख रहे हैं क्या उन अभिभावक को आपको संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं पेरेंट्स को जरूर एक संदेश देना चाहूंगी, पेरेंट्स से मैं कहना चाहूंगी अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में आप डालें, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे ताइक्वांडो हो, कराटे हो, वॉलीबॉल हो, रेस हो, रेसलिंग हो, कुछ भी हो, क्योंकि सर आज का जो बच्चा है ना केवल कंप्यूटर और लैपटॉप में या फोन में सिमट के रह गया है, बच्चा स्पोर्ट्स करने से उसकी मेंटली जो विल पावर है वो भी स्ट्रांग बनती है सर, बच्चा मेंटली स्ट्रांग होता है, मेंटली बच्चा स्ट्रांग होगा तो फिजिकली भी स्ट्रांग होगा, और बच्चे का पढ़ाई में मैं दावा और वादा दोनों करती हूँ, अगर बच्चा सर स्पोर्ट्स में चलेगा तो वो मेंटली ज्यादा पावर और स्ट्रांग बनेगा और पढ़ाई पे अच्छा फोकस करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।